स्टूडेंट्स टुडे विल सॉल्व द एग्जाम पेपर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट टू एग्जामिनेशन 2019 राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिसकी फोर यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस यूनिट फिफ्थ, जिसका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मंगल लिमिटेड, नॉर्मल प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी, सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट टू बी सोल्ड, सेल्स न्यू एसपी फॉर पर यूनिट ऑफ अ बीईपी सेल्स। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, डैट इज 4 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पर यूनिट गिवन है, डैट इज 2.80 रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट पीवी रेशियो। इज द कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है सेल्स की, वेरिएबल कॉस्ट की और नीचे सेल्स की। पीवी रेशियो आ गया आपका 30%। Now the calculation of BP sales. Look students, यहाँ आपसे पूछा गया BP sales. BP sales आपको दोनों निकालनी है, in units और in rupees. तो first हम निकाल रहे हैं rupees से, तो इसका हमारा formula है BP sales in rupees equals to fixed cost divided by PV ratio. Fine. और अगर units में निकालनी है तो formula होगा fixed cost divided by contribution. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1,58,400, ये लिख दिए आपने। फाइन, नाउ अब पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट किया है, डैट इज 30%। हमारा बीपी सेल्स इन रुपीस कितना आ गया, 5,28,000। और इन यूनिट्स, यूनिट्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 4 माइनस 2.8, डैट इज 1.2। इसको आपने सब्स्टिट्यूट करके निकाल ली है, डैट इज 1,32,000 यूनिट्स आपकी बीपी सेल्स आ गई है, इन यूनिट्स इन रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो भी हम दोनों में निकालेंगे, इन रुपीज और इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा क्या फॉर्मूला है, डैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी। फाइन, तो बीपी आपका कैलकुलेट हो चुका है अभी ऊपर, और एक्चुअल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, डैट इज कितनी है, 3,60,000। तो ये आपकी यूनिट्स आ गई। अब इसको रुपीस में कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ गई 912,000, डैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। नाउ अब इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल सेल्स 3,60,000 माइनस 1,32,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इनटू 100, तो कितना आ गया, 63.33%, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट है यूनिट टू बी सोल्ड टू गेट रुपीज 12,000 एज प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है, जिसमें आपको प्रॉफिट गिवन है 12,000 का। फाइन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको 1,58,400 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, डैट इज 12,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, डैट इज कैलकुलेट किया था आपने 1.20, वैल्यू कितनी आ गई, 1,42,000 यूनिट्स, ये आ गई रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। नाउ अब आपको थर्ड क्या पूछा गया है, सेल्स टू गेट 100% प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसमें मिस्टेक है, आप देखिए नीचे कि आप 100% प्रॉफिट नहीं, नीचे लिखा हुआ है विक्रय पर 10% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य, तो आपको सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट ऐड करना है और देखना है कि आपकी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी, डिजायर्ड सेल्स कितनी होगी। फाइन, तो अब इसमें रुपीस में निकालना है आपको, यूनिट्स में नहीं निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। जहां भी पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा वहां चीज आ जाएगी आपकी रुपीस में, और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट्स में आती है। ये देखिए, यहाँ कंट्रीब्यूशन से डिवाइड किया तो यूनिट्स में आ गई, यहाँ पीवी रेशियो से करेंगे तो रुपीस में आएगी। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। कैसे? सेल्स निकालनी है हमें, तो हम मानेंगे कि सेल्स हमारी एक्स है, तो इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट, एक्स का 10% प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया? 0.1x, ये हो गया आपका प्रॉफिट। फाइन, नाउ फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आपका? 0.1x इक्वल्स टू पीवी रेशियो कितना है इसका? 30% बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख दिया 0.3 इक्वल्स टू एक्स, ये आपने मानी थी। अब इसको आपने सॉल्व किया, ये इधर आ जाएगा, वैल्यू आ गई 0.3x प्लस ये, अब ये माइन 0.1x इधर आएगा तो 0.2x आ गया। 1,58,400 डिवाइडेड बाय 0.02, वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7,92,000। इतनी आपकी सेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे न्यू एसपी पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द बीपी सेल्स। आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1,20,000 यूनिट्स पे आपको एसपी निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीपी इन यूनिट्स माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है डैट इज 1,58,400, बीपी इन यूनिट्स आपको गिवन है डैट इज 1,20,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट डैट इज 2.80। अब इसको आपने सॉल्व किया, पहले डिवाइड करके फिर इसको प्लस कर दिया, वैल्यू आ गई 4.12 पर यूनिट।